तो नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को और आपके अपने YouTube चैनल किसान चेतना YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो किसान भाइयों, आज हम अपने ही गांव में अपने भाई का खिलंदर भाई का गन्ना दिखाएंगे। किसान भाइयों, इस गन्ने की बुआई हमारे भाई ने बहुत ही लेट की थी। किसान भाइयों, इसमें हमारे किसान भाई की गेहूं की कैरी थी, गेहूं था इसमें, गन्ना। उसके फिर बाद इसमें इन्होंने इन्होंने इस गन्ने की बुआई की। पूरी जानकारी लेंगे भाई से अपने हम। किसान भाइयों, गन्ना इन्होंने बहुत ही लेट बुआई की थी गन्ने की। जानकारी लेंगे भैया जी से हम, इन्होंने इन्होंने कौन कौन सी इसमें दवाई का उपयोग किया। देखो भाइयों, मैं आपको दिखाऊंगा गन्ना कितना बढ़िया हो रहा है। देखो कितना बढ़िया मेढ़ा कर रहा है, बहुत कर रहा अच्छा। है। देखो किसान भाइयों, भैया जी से जानकारी लेंगे पूरी, कितने इंच पर है भाई जी का गन्ना। बहुत अच्छा गन्ना हुआ है। देखो किसान भाइयों, यहाँ कुछ गन्ना अलग दिख रहा है, बहुत ही अच्छा। इतना बढ़िया गन्ना क्यों हुआ है, जानकारी लेंगे भैया जी से हम। इस देखो है, ज़्यादा बढ़िया गन्ना हुआ है इसमें। इन्होंने मुझे लगता है कुछ खाद का उपयोग ज़्यादा किया था, या पूरी जानकारी लेंगे भैया से हम। भैया जी इसमें इसमें कोराजन का स्प्रे कर रहे हैं। भैया जी से जानकारी लेंगे पूरी कि कोराजन किस हिसाब से ये लगा रहे हैं खेत में अपने। तो किसान भाइयों, हम अपने भाई से मिलवाएंगे, ये भाई हमारे हमारे भाई 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 हैं। हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। और जी भैया जी ठीक ठाक हो? हाँ जी बढ़िया, बिल्कुल। तुम सुनाओ। तो भैया जी, राम राम जी। राम राम जी। और जी ठीक ठाक हो? हाँ जी ठीक। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय लेना चाहूंगा। भैया जी आपका नाम? मेरा नाम खिलेंद्र राठी, और भैया गांव? ग्राम सैफाबाद, अच्छा। पोस्ट मडावली, जिला बिजनौर। और जी आपका? मेरा धर्मेंद्र राठी, ग्राम सैफाबाद। अच्छा, तो हम भैया जी से जानकारी लेंगे। भैया जी, आपका ये गन्ना है, ये गन्ना बढ़ क्यों नहीं पा रहा है इतना? अरे ये गन्ना पहले हमने इसमें पेटी थी, अच्छा, पेटी के बाद इसमें गेहूं की बुआई की। जी अब इस बार आपको मजदूर तो मिल नहीं पाए, लेबर आपको गेहूं काटने वाली नहीं मिली टाइम पर, अच्छा, इसलिए गेहूं की कटाई लेट हुई। अच्छा, और गेहूं कटाई होने के बाद फिर इसका पलेवा हुआ। अच्छा, पलेवा होने के बाद इसकी हमने जुताई करा कर जी जब इसमें गन्ना लगाया, खाद डालने का भी मौका नहीं मिला बिल्कुल। अच्छा, तो इन्होंने भैया ने बुआई की फिर गन्ने की। तो भैया इसकी गन्ने की आपने बुआई कब की? अच्छा, 10 मई को। 10 मई को, सॉरी, हाँ। 10 मई को भैया जी ने गन्ने की बुआई की। तो भैया आपका गन्ना कौन सा है ये? ये गन्ना तो 0238। 0238 है भाई का गन्ना। तो भैया जी आपने जब इस गन्ने की बुआई की तो कुछ दवाई का उपयोग किया? हाँ, दवाई तो देखो गन्ने की बुआई में लगानी पड़ती जी, क्योंकि इसमें दीमक का प्रकोप ज्यादा रहता है, ये जमीन वैसी है जी, रेतीली, जी इसमें ज्यादा दीमक आती है हमारे आसपास। जी तो मैंने इसमें थायो जी लगाई, DAP के साथ। अच्छा, DAP के साथ थायो। जी बहुत बढ़िया। तो थायो से क्या क्या होता है? थायो से जो अंतः प्रभावी कीट रहते हैं, जो अंदर लगने वाले कीड़े होते हैं जमीन के, जी उनकी रोकथाम हो जाती है लगभग 2-3 महीने के लिए। अच्छा, उससे जब उसकी रोकथाम हो जाएगी तो जैसे हम इसमें बीज डाल लेंगे जी, तो वो बीज जो है हमारा एकदम सुरक्षित रहेगा 2-3 महीने तक। जी और जब वो सुरक्षित रहेगा तो जो जमने वाले पोए हमें बिल्कुल साफ निकलेंगे। जी और पहले हम जब उसे नहीं लगाते थे जी, तो हम जैसे इसमें बीज डाल देते थे तो जो पोए निकलते थे उनमें दीमक लग जाती थी। अच्छा, और दीमक उन पोए में दिखाई देने जम तो जाते थे मगर जमने के बाद सूख जाते थे। अच्छा, उस ग्रोथ नहीं करते थे बढ़िया, सूख जाते अच्छा, थे। सूख जाते थे। और फिर हम उसमें कैसे भी, पहले तो हमें जानकारी नहीं थी, लोगों ने बताया शुरू में, हम जी जानकारी नहीं थी, तो हमने कोरोजन लगाई एक बार। जी कोरोजन लगाने के बाद हमने सोचा इसी मरद को काटती दिक्कत जी, पर कोरोजन अंतः प्रभावी कीट के लिए कोई भी बढ़े उसका नियंत्रण नहीं है। अच्छा, बस ये तो अब टॉप बोरर जी जैसे कणसुआ बोलते हैं जी, उसके लिए सही है, बस उसके लिए सही है। तो भैया जी मैं थोड़ी सी जानकारी और लेना चाहूंगा आपसे, आपने इस गन्ने की सिंचाई कितनी बार कर दी होगी? सिंचाई इसकी मैंने 2 बार। अच्छा, 2 बार सिंचाई की? 2 बार सिंचाई कर दी। हाँ, अच्छा। ये क्योंकि रेतीली जमीन है जी, ये पानी एकदम इसमें जल्दी सिंचाई मांगती बार बार। अच्छा, रेतीली मिट्टी में पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 2 बार सिंचाई कर दी हमने इसकी। अच्छा, और अभी दवाई तो अब मैं देख रहे हो, कोरोजन लगा रहा हूँ। अच्छा, आज कोरोजन लगा रहे हो आप? हाँ। तो भैया इस जब आपने सिंचाई की, इस दवाई का उपयोग नहीं किया कुछ? नहीं, जब तो कोई, मैंने तो इसमें अभी कुछ डाला नहीं। अच्छा, एक दिन 20 किलो यूरिया डाला अभी। अच्छा, तो यूरिया डाला है भाई ने। हाँ। और आज कोरोजन का स्प्रे कर रहे हैं? आज कोरोजन का स्प्रे कर रहा हूँ। तो भैया आपने इससे पहले कोरोजन का स्प्रे किया है कभी खेतों में अपने? मैंने कई साल पहले कोरोजन लगाई थी। अच्छा, बस वही बात, अब ये मील वाले बार बार कहते रहते हैं कोरोजन लगाओ, बढ़िया दवाई है जी, तो हमने सोचा भाई वैसे तो दिक्कत तो कुछ ना, दवाई तो सभी एक सी बराबर ही मात्रा में पड़ रही जी, इसका थोड़े ज्यादा दिन तक रिजल्ट रहता है। अच्छा, कोरोजन का? हाँ, बस यही फायदा है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, कोरोजन का रिजल्ट ठीक ठाक है वैसे, बढ़िया। कोरोजन का ज्यादा दिन तक सुरक्षा कवच रखती है फसल के ऊपर, बढ़िया, इसका ज्यादा दिन तक रहता है और दवाई 2-3 महीने काम करती है।
तो भैया मैं थोड़ी जानकारी और लेना चाहूंगा, आपका ये गन्ना कितनी इसकी हाइट चौड़ाई होगी भैया? चौड़ाई इसकी ये हमने अपने वैसे तो बताने की बात है, ये हमने वैसे तो ज्यादातर बुआई ट्रैक्टर से की जी, पर ये बुआई हमने लेट होने की वजह से जी, अब वो ज्यादातर क्या 2.5 फीट वाले गूलर हैं जी, या फिर 4-4.5 फीट के गूलर हैं जी, तो हमने अपने बैलों से इसकी बुआई की। अच्छा, गन्ने की 3 फीट के आसपास गन्ना ज्यादा 3 फीट के आसपास है इसका। चलो बढ़िया, चौड़ाई इसकी 3 फीट से कम है भाइयों, बहुत ही अच्छा गन्ना हुआ है। तो भैया मैं थोड़ी सी जानकारी और लेना चाहूंगा आपका, देखो इधर गन्ना आपका अलग लग रहा है और इधर इतना इतना घन का क्यों हो रहा है, ये इधर की जानकारी दो थोड़ी सी। ये जी ये चीज देखो, ये गन्ना हर बार जी हमेशा किसान का गन्ना जो होता है वो जो धोरे होते हैं जी, जो खेत के बाहर की तरफ के भी होते हैं, वहाँ गन्ना कम जमाव कम होता है। अच्छा, इसलिए यहाँ हमने कच्ची जो पेंटे होते हैं जी, वो छोटी दो दो आंख वाली डाल ली। अच्छा, बल्कि इसमें हमने चार चार आंख वाली भी डाल ली। अच्छा, चार चार आंख वाली। इसमें तो गन्ना वैसे भी बेहतर जमता जी, पैदावार भी बाद में सही हो जाती है, मगर यहाँ घास ज्यादा होती। अच्छा, इसलिए यहाँ हमने थोड़ा पेंटे के ऊपर पेंडा चढ़ा कर डाला, डबल। अच्छा, कर डबल डबल डाला आपने, कुल मिला के डबल डबल डाला। हर साल थोड़ा छिद्दा रह जाता था, इसमें घास ज्यादा हो जाती। अच्छा, तो ये सोचा मैं यार आपको ये करके देखो, इस बार देख रहे हो जी, बहुत बढ़िया अच्छी जमा हुआ, इससे कुछ बिगड़ा नहीं, बहुत ही अच्छा जमा हुआ है। किसान भाइयों देखो मैं आपको दिखाऊंगा, ये बहुत अच्छा अच्छा जमा हो रहा है यहाँ पर गन्ने का, बहुत ही अच्छा। तो किसान भाइयों हमारे आज के किसान भाई से मिलकर आपको कैसा लगा? किसान भाइयों और इनका गन्ना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना किसान भाइयों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और वीडियो को शेयर भी कर देना किसान भाइयों। अच्छा, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम।